So we were at electrophile and nucleophile. What were electrophile for us? That and what are nucleophile? We have done electrophile can be positive or a neutral. In the same way, nucleophiles are nucleus loving or neutral. So we were doing the neutral example in both. Neutral, jinka octet complete now, that is a electrophile. Like I have taken example of BF3. AlCl3. These all are bete electrophiles. Kyunki inka octet complete nahi hota, 8 electron nahi hai. There are no 8 electron. एल्यूमिनियम के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन है, बोरोन के अराउंड 5-6 हैं, क्योंकि 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो देयर आर 6-6, तो दो ये एक्सेप्ट कर सकते हैं. दीज आर ऑल्सो लुईस एसिड, व्हेन वी विल डू लुईस एसिड बेस पेयर कॉन्सेप्ट. ओके, इन द सेम वे न्यूट्रल इन केस ऑफ In the case of nucleophiles are those which have lone pair. Like you have done ammonia. है ना? तो ये lone pair दे सकता है. इसके दो electrons ऐसे हैं जो bonding में participate नहीं करे हुए. That is why it is a nucleophile. Even water can be considered as nucleophile. ठीक है? जिनके पास बेटे एक्स्ट्रा लोन पेयर है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, जिनमें बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करे, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, तो दीज आर न्यूक्लियोफाइल्स. जब आप इक्विलिब्रियम कर लोगे, आयनिक इक्विलिब्रियम, एंड यू विल डू लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, इट विल बी मोर क्लियर टू यू. ओके, now come types of the types of the effects in organic chemistry. ठीक, effects, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रो मैरिक इफेक्ट, डक्टिव, डक्ट की स्पेलिंग है तक, रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन. ठीक है, फोर इफेक्ट आपने पढ़ने हैं बेटे. वन इज क्लोज, क्या नोट्स खोल के बैठ सकते हो बेटे, क्या खोल रहा, टेस्ट याद हो रहा है, टेस्ट याद हो रहा है, नीचे कौन सी कॉपी खुली है, दो केमिस्ट्री. सो वन इज डिडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडक्टिव इफेक्ट. अब बेटे देखो, अभी तो हम आपसे डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, मगर ये चीजें आपकी क्लास 12 तक चलेंगी. दूसरा, इसको आप अप्लाई करेंगे जगह जगह पे. ठीक है, एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए हर इफेक्ट की. आप इसको क्रैम नहीं करना, दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट को लेके हम बहुत सारे फिनोमिनन एक्सप्लेन करेंगे. इन द सेम वे हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस को लेके, इलेक्ट्रोमेरिक को लेके. रट्टे नहीं मारने कि हमने याद करने इनके इफेक्ट्स को, समझने हैं कि हम अप्लाई करें इनको. समझ आ गई है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडक्टिव इफेक्ट,
ऑर्गेनिक में इंडक्टिव इफेक्ट जब हम पढ़ते हैं, हम दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे, माइनस आई और प्लस आई। कोई भी इफेक्ट है माइनस आई प्लस आई हाइपर कॉन्जुगेशन को छोड़ के, अगर हम माइनस आई, बेसिकली हम माइनस आई की पहले बात करें क्योंकि मेनली वो लगेगा, और प्लस आई है जो वो खुद कार्बन ही शो करेगा। अब व्हाट इज माइनस आई इफेक्ट, समझो पहले माइनस आई को लेके ही पूरा इफेक्ट एक्सप्लेन किया जाता है। आपने एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दैट वाज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कि हम HCl में क्लोरीन की बात करते थे, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचता था और H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो हम कहते हैं इसमें डाइपोल बन जाते हैं। फिर रिमेम्बर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसी कंसेप्ट की एनहेंसमेंट समझ लो इंडक्टिव इफेक्ट है, जिसको इनऑर्गेनिक में आप इलेक्ट्रोनेगेटिव, दो एटम्स की बात करते थे, ये दो एटम्स की नहीं बात करी, इसमें मैंने क्या किया, चार ना ऐसे समझो, देयर आर फोर स्टूडेंट स्टैंडिंग हियर, अरे एक स्टूडेंट मैंने खली खड़ा कर दिया मोटा ताजा, ठीक है, पर उसको मैंने दी जो रोप है, रोप टूट नहीं सकती, ये एक इलास्टिक की रोप है, इसकी रोप है इलास्टिक की रोप है। अब ये जो क्लोरीन है, क्योंकि ये एक खली है जो इलेक्ट्रॉन खींच सकता, और इन दोनों बॉन्ड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। अब जब ये सबसे ज्यादा ताकतवर है, चाहे हमने बहुत सारे और बच्चे खड़े कर दिए, तो ये रोप को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा कि नहीं खींचेगा? रोप टूट नहीं सकती, रोप टूट नहीं सकती, रोप बच्चे भी अपनी जगह से नहीं हिल सकते। इनको मान लो मैंने मैग्नेट ग्लू जैसे मर्जी खड़ा किया हो, कि इनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अपनी प्लेस पे ही रहेंगे, सिर्फ रोप अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होगी। समझ आ रही है? जब रोप अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होगी तो इलेक्ट्रॉन भी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होंगे। अब अगर एक बच्चा यहाँ खड़ा है और एक यहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, उस बच्चे के पास ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि दो बच्चों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उसके पास पहुंचेंगे, यही होगा। मगर हमारी कन्वीनियंट के लिए हमने रोप अज्यूम करी है, ये रोप भी नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। समझ आ रही है? अब ये सबसे ताकतवर है, इसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचना है, खींचना है, इसकी तरफ ये डिस्प्लेस होगा। अब आप खुद से आने हो, जो बच्चा खली के पास सामने खड़ा होगा उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जो वो पीछे खड़ा होगा उसको तो कोई फर्क नहीं, आराम से खड़ा है, जितने वो उसके पास खड़े होंगे उतना ज्यादा उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, यही होगा। अब क्लोरीन के जितने, अगर ये कार्बन पास है, ये सबसे पास है, तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इससे उतने कम, उससे उतने कम, फिर और कम, फिर वैनिश होता जाएगा इफेक्ट, फिर बहुत दूर चला जाएगा, ठीक है। अब ये किसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा, पाई बॉन्ड की नहीं डिस्प्लेसमेंट होती, समझ आ रही है? दूसरा बॉन्ड तो ऊपर और नीचे छाया हुआ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा बेटे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की होती है, तो जो पास खड़ा है वो उससे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है नेक्स्ट के ऊपर कम हो जाएगा, उसके नेक्स्ट के ऊपर और कम हो जाएगा, उसके नेक्स्ट के ऊपर और कम हो जाएगा, और बाद में क्या हो जाएगा, वैनिश होता जाएगा। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट, हमने क्या देखा, इट इज इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं अपनी पोजीशन से, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कौन सी इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम,
there is a displacement of the electron. Which electron? Sigma electrons. And this effect is a permanent effect. This effect is a, अब अगर हेलो एल्केन है, अब ये जैसे मैंने कौन सी बनाई है, ब्रोमो क्लोरो, है ना, क्लोरो ग्रुप लगाए किसके ऊपर, ब्रोमीन एल्केन के ऊपर. सो इट इज ब्रोमो ब्यूटेन, वन ब्रोमो ब्यूटेन, सॉरी वन क्लोरो ब्यूटेन. अगर वन क्लोरो ब्यूटेन मैंने ली है तो ये वन क्लोरो ब्यूटेन हमेशा ही रहेगी, तो ये इफेक्ट हमेशा ही रहेगा. ये थोड़ी ना कोई रिएजेंट लेके आए हैं तभी ये रिएक्शन इफेक्ट लगा है. अगर यहाँ पे मैं ब्रोमीन ग्रुप लगा दूं तब भी इफेक्ट लगेगा, अगर मैं यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा दूं तब भी इफेक्ट लगेगा, अगर मैं एसिड लगा दूं. अगर आप ध्यान से सोचो बेटे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के अलावा जो भी एक्स्ट्रा एटम लगा है, आप कौन कौन से एक्स्ट्रा एटम लगाएंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, यही लगाए हैं. सारे कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबका ही माइनस आई इफेक्ट है. मींस आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले लोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सबका माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट होगा. चाहे मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा दूं, चाहे ब्रोमीन, चाहे आयोडीन, चाहे यहाँ पे मैं एनओ टू लगा दूं, चाहे मैं सी एन लगा दूं, चाहे मैं एसिड लगा दूं, चाहे मैं फ्लोरीन लगा दूं, क्लोरीन लगा दूं, ब्रोमीन लगा दूं, आयोडीन लगा दूं, सब ने इलेक्ट्रॉन खींचने हैं. क्यों खींचने हैं? क्योंकि सारे ही कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ठीक है. और जो कार्बन सबसे पास होगा ग्रुप के पास, उससे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे. सो देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. विच इलेक्ट्रॉन? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. किसके? अलोंग द चेन. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप विच इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप. व्हाट द पॉइंट? जब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा होगा, और ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ही लगे होंगे, क्योंकि कार्बन को अगर इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो खुद ही कार्बन दे सकता है, उसके अलावा सब उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. समझ आ रही है? अगर कार्बन को कोई इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो खुद कार्बन ही आप दान कर दे तो सही है, ये तो सब ने इलेक्ट्रॉन खींच लेने हैं इससे. तो सबका क्या है? माइनस आई इफेक्ट. क्या है ये? माइनस आई. तो टू टाइप के इफेक्ट है. इंडक्टिव इफेक्ट में दो, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? की डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रुप. कौन से इलेक्ट्रॉन? सिग्मा इलेक्ट्रॉन. और ये इफेक्ट कौन सा है? परमानेंट इफेक्ट है. ओके? अब जब ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगे हो तो हम क्या कहते हैं? दिस इज माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट. इट इज नोन एज माइनस आई. अब प्लस आई कौन है? मैंने अभी बताया, खुद कार्बन. तो जितने ज्यादा कार्बन लगे होंगे उतना प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. Isn't it? So let us see plus I. और ये हम स्टडी करेंगे जब हम बाद में कार्बोकेटाइन की बात करेंगे. मान लो ये कार्बन है, इसके पास 3 CH3 लगे हैं, ठीक है. मैंने कल आपको एक बात बताई थी, कार्बोकेटाइन बताया था. कार्बोकेटाइन, केटाइन क्या होता है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज हो दैट इज अ कार्बो केटाइन. तो इसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, अगर 3 CC लगे हो, ये तीनों इसको देंगे इलेक्ट्रॉन. मैंने अभी कहा खुद कार्बन देगा. खुद कार्बन कब देगा? जब दूसरा कार्बन डेफिशिएंट होगा. समझ आ रही है? तो ये इसका क्या होगा? प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट. क्या होगा? प्लस आई. जब इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगे होंगे तो दैट इज अ प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट. तो जब 3 लगे होंगे तो ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा. जब ऐसे 2 लगे होंगे तो कम होगा. जब ऐसे 3 लगे, 1 लगा होगा
तो और कम होगा, और जब एक भी नहीं लगा होगा सबसे कम हो जाएगा। समझ आ गई? तो दिस इज नोन एज बेटे इंडक्टिव इफेक्ट। ये बात एंड तक याद रखनी है, इंडक्टिव इफेक्ट कभी भी पाई इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्ट नहीं करता। समझ आ रही है? इंडक्टिव इफेक्ट डिस्प्लेसमेंट अकेली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की करवाता है, उसको कोई लेना देना नहीं है पाई है कि नहीं है। क्योंकि जब आप बेंजीन करते हो तो आप एट ए टाइम एक ग्रुप को प्लस आर भी बोलोगे, उसी ग्रुप को माइनस आई भी बोलोगे, तब आप कंफ्यूज होते हो। माइनस आई इफेक्ट तब लगता है जब वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और वो सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट करवाएगा, प्लस आई खुद ही कार्बन करेगा, उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई ग्रुप है ही नहीं। ठीक, अब आ जाओ बेटे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हाँ, इसी ऑर्डर में ही स्टेबिलिटी होगी। व्हेन विल डू कार्बोकेटायन, विल डू इंडक्टिव इफेक्ट, विल डू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, सब करेंगे। बस जितना करवाया जाए करीजो। बस क्या अभी कार्बोकेटायन शुरू कब हुए? वो ये कार्बोकेटायन के बारे में पूछ रहे थे, अलग से हम करेंगे ना जब इंटरमीडिएट, तब इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट। थोड़ी सी मैं आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी करवा दूं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि अगर आपके पास वेरियस एसिड्स हो तो उसमें से कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, मान लो यू हैव एसिडिक एसिड, नाउ इसका अगर मैं एक एच रिप्लेस कर दूं और आयोडीन ले आऊं, ठीक है, एक और एच रिप्लेस किया, एक एच रिप्लेस किया, अब मैं ब्रोमीन ले आई, ये सिंपल एसिडिक एसिड है, इथेनोइक एसिड, ये आइडो, देन द ब्रोमो इथेनोइक एसिड। ठीक है, देन एक ये वाला एसिड बना दिया मैंने क्लोरो एसिडिक एसिड, देन वन इज फ्लोरो एसिडिक एसिड। अब यू हैव टू टेल द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब हमें पता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या माइनस आई ग्रुप फ्लोरीन है। ठीक है, और एसिड क्या होता है जो एच प्लस दे? एसिड क्या स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलोगे जो एच प्लस देगा? दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये एच प्लस क्यों देगा? क्योंकि ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और ये जब एच निकलेगा ये एच पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा। अगर इसके पीछे भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जैसे कि आयोडीन लगा है, ऐसा ग्रुप लगा है तो वो इलेक्ट्रॉन पीछे से खींच रहा है, तो ऑक्सीजन को मजबूरी से आगे हाइड्रोजन से खींचना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन एज एच पॉजिटिव और आसानी से निकल जाएगी। मींस अगर मैं फ्लोरीन लगा दूं जो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन और अच्छे से खींचेगा, ऑक्सीजन से खींचेगा, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से खींचना पड़ेगा, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अगर मुझे एसिडिक ऑर्डर लिखना हो तो आई विल राइट लाइक दिस। ठीक है, आई विल राइट लाइक दिस और नॉट। समझ आ गई बेटे? जितना ज्यादा माइनस आई वाला ग्रुप लगेगा उतने वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो वो उतनी ऑक्सीजन से खींचेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से खींचेगा, हाइड्रोजन को एच पॉजिटिव की फॉर्म में निकलना पड़ेगा, और जितनी जल्दी एच पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा वो उतना ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात,
जितने ज्यादा ये ग्रुप लगे होंगे। अब दूसरा कंसेप्ट इसी में आता है, यू हैव एसिडिक एसिड, यू हैव फ्लोरो एसिडिक एसिड, यू हैव डाई फ्लोरो एसिडिक एसिड, यू हैव ट्राई फ्लोरो एसिडिक एसिड। अब तीन तीन फ्लोरीन लग गए, ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ये इस कार्बन से खींचेगा, कार्बन वो ऑक्सीजन से खींचेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से खींचेगा, हाइड्रोजन को एच पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकलना पड़ेगा। तो ऑर्डर क्या है एसिडिक का? व्हाट इट? अब इट इज ऑल्सो अ डिस्टेंस इफेक्ट। मैंने आपको अभी बताया कि अगर यहाँ पे खाली खड़ा हो तो लास्ट वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा? जो बिल्कुल पास में। ठीक है, अगर आपकी थ्री मेंबर चेन का मान लो एसिडिक है, तो अगर मैं एक फ्लोरीन यहाँ लगा देती हूँ तो ये वाली फ्लोरीन सबसे ज्यादा खींचेगी। अगर एक फ्लोरीन यहाँ लगी हो तो ये कम खींचेगी, और ये फ्लोरीन यहां लगी हो तो ये सबसे ज्यादा कम और कम खींचेगी। तो एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा? अब ये क्या है? डिस्टेंस इफेक्ट। फ्लोरीन दूर गई, COH से डिस्टेंस बढ़ा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाई, ऑक्सीजन इसलिए हाइड्रोजन से नहीं इतना खींच पाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बेटे आपको व्हाट इज तो कोई नहीं पूछेगा, ये ही पूछेगा कि अरेंज करो, फिर हमें बताओ क्यों है। जा रही है? व्हाट इज पुराना हो गया, व्हाट अब वाई है। अब आज जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ऐसी बेस को भी एक्सप्लेन किया जाता है, हम बाद में देखते हैं। लेट अस टू इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एक साइड पे क्वेश्चन लिखो कि अमोनिया एक बेस है बेटे, मैंने लेना था क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, दैट इज अ लुईस बेस, यू नो इट। इनको पता है इट इज अ लुईस बेस, कि अमोनिया लुईस बेस है। चलो हम ये बाद में लेंगे, जब हम करेंगे ना इक्विलिब्रियम, फिर आपको बताएंगे कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है। अब आ जाओ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बेटे विद एग्जांपल अंडरस्टैंड फर्स्ट। ये एल्कीन है, ठीक है। अब एल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड छाया हुआ है ऊपर नीचे, इसके पास नेगेटिव चीज अप्रोच नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल अगर मैंने HCl की एडिशन करनी है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसमें ऐड हो सकता है, ऐड हो सकता है। ऐड कैसे होता है मम्मी, देखते हैं कैसे होता है। अब HCl क्या है, इसका कौन सा पार्ट पहले अप्रोच करेगा? H। कैसे अप्रोच करेगा? H पॉजिटिव की फॉर्म। अब ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इस इफेक्ट से आप एक रिएक्शन भी समझोगे, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये एच प्लस अप्रोच हुआ, हुआ, अब ये गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन थे नहीं? थे नहीं, है ना। तो इसने क्या किया, ये बॉन्ड एक इन दोनों में से, अगर आप इसको पाई मानते हो तो मान लो इसने ये यूज कर लिया बेटे, ये HCl में से H प्लस पॉजिटिव गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे, नहीं है ना। इसने अगर इसके साथ लगना है तो इसको एक बॉन्ड की जरूरत है, तो
इसने ये बॉन्ड यूज कर लिया, तो बॉन्ड यूज किया तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड हो गया, ये CH2 यहाँ पे ये अच्छा लग गया, मगर साथ वाले कार्बन की वैलेंसी हिल गई, तो ये इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि तीन बॉन्ड रह गए, दो हाइड्रोजन के एक बॉन्ड हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ठीक है, अब जब हम इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट एक्सप्लेन करते हैं तो इतना करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रोमैरिक खत्म हो जाता है, अब क्या होता है मैंने बताना है आपको। ठीक, अब अगर रिएक्शन देखें तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव है मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अब ये सीएल जो बचा है ये तो नेगेटिव है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, है ना, तो ये आ सकता है यहाँ पे सीएल नेगेटिव अपनी इलेक्ट्रॉन लेके, ये अपनी इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो ये यहाँ पे लग जाएगा, ये क्या बन जाएगा, CH2 CL CH2 मीन्स क्लोरोइथेन बन जाएगा। ये ऐसी रिएक्शन होती है, जो हम इफेक्ट की बात करें हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, अब समझो, ये जो मैंने एग्जांपल लिए इलेक्ट्रोमेरिक की, ये लिया मैंने प्लस ई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है, एल्कीन वैसे पड़ी थी, जब तक एच प्लस नहीं आया ये इफेक्ट नहीं लगेगा, दिस इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। ये कब लगता है, जब अटैकिंग रिएजेंट आएगा, ये कब लगेगा, जब अटैकिंग रिएजेंट, जैसे इस केस में अटैकिंग रिएजेंट क्या है, एच पॉजिटिव, और किसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की, सिग्मा की हो रही है नहीं हो रही, पाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिल रहे हैं। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट पाई इलेक्ट्रॉन इस केस में कहाँ डिस्प्लेस हुए, जहां पे एच पॉजिटिव आके लगा वहां गए ना, ये पाई बॉन्ड कहाँ गया, ये यहां गया, कहाँ गया, जहां पे अटैकिंग रिएजेंट फाइनली अटैच हुआ, यहां ही गया, इजंट इट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, किसकी डिस्प्लेसमेंट हुई अभी, पाई इलेक्ट्रॉन्स की, तो किसकी प्रेजेंस में, अटैकिंग रिएजेंट। नाउ दिस इफेक्ट इज आल्सो टू टाइप, प्लस ई एंड माइनस ई, प्लस ई हम तब करते हैं जब दीज पाई इलेक्ट्रॉन उस तरफ ही मूव करें, मूव टुवर्ड्स दैट एटम वेयर द अटैकिंग रिएजेंट फाइनली अटैचेस। नाउ दिस पाई इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स दैट ग्रुप वेयर दिस अटैकिंग रिएजेंट फाइनली अटैचेस, दैट इज प्लस ई इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। समझ आ रही है, और ये किसमें लगता है, एल्कीन्स में, और इससे हमें क्या समझ आई कि एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जाती हैं, इनमें इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है पहले, ये भी समझो साथ में, क्योंकि आगे टाइप ऑफ रिएक्शन करनी है आपको, हर ग्रुप की रिएक्शन की टाइप पता होना चाहिए कि एल्कीन किस टाइप की रिएक्शन जाती हैं, एल्केन्स किस टाइप की रिएक्शन जाती हैं, एल्काइन, तभी आप केमिकल प्रॉपर्टीज करोगे आगे। समझ आ रही है, तो व्हाट इज प्लस ई, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विल बी विच ऑन विच ग्रुप वी आर अटैकिंग रिएजेंट फाइनली अटैचेस। नाउ लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ एल्डिहाइड और अ कीटोन एंड टेल यू व्हाट इज माइनस ई इफेक्ट। सो यू नो बेटे दिस इज हाई, अगर एक एक इफेक्ट इतना टाइम, जतिन अगेन योर क्वेश्चन इज लेफ्ट, चलो टुमोरो।